प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। प्रदेश के तमाम बड़े नेता हत्याकांड को लेकर अपने अपने तरीके से अपना बयान दे रहे हैं। इन नेताओं की चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह शासन प्रशासन के कामकाज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव प्रयागराज हत्याकांड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए। और जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, कोई भी ऐसा अपराध किया हो और उसका खुलासा ना हुआ हो और जो अपराध करने वाला हो उसको पकड़ा ना गया हो, उसको सजा ना दिलाई गई हो, और हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो और उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अपराध करने वालों की जो मना स्थिति है उसको बदलना पड़ेगा, उनको कार्रवाई का जाते। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश के अमन चैन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून का राज मजबूत कर रही है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अपराध सरकार की जो सख्त नीति है उसके कारण आज उत्तर प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करना चाहते। आप देखते होंगे कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जेलों में नहीं रहेंगे, हमको जो है किसी और प्रदेश के जेलों में भेजा जाए और दूसरे प्रांतों में फर्जी मुकदमे करा करके वो जेल के अंदर जा रहे हैं। आज कानून का राज इस तरह का स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और जो अपराधी ये घटना किए हैं आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो रही है। इस सरकार में किसी भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि वो कानून की बात को नहीं मानेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब कोर्ट ने छोड़ दिया है तो उसमें क्या कमेंट करना है? तो कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। देखिए, जो भी कार्रवाई है वो तो होगी, तो क्या इसे एक नजीर सेट की जाएगी आगे के लिए? अब जो भी फैसला होगा।